Hello friends, I welcome you all in Zero Doubt English classes. Today I will take you through useful sentences for daily use. आज जो मैं आपके साथ में sentences discuss करने जा रहा हूँ वो आपकी conversation में यानी कि day to day conversation जो आप करते हो रोजाना की उसमें बहुत काम आने वाले हैं. तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो. ये sentences आपको practice करने हैं ताकि ये आपकी ज़ुबान पे आ जाए. इंग्लिश में होता क्या है कि अपने बहुत सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स को बोलते नहीं हैं, इसलिए अपनी टंग है वो उसके अकॉर्डिंग टू रोल नहीं हो पाती है, इसीलिए अपने को इंग्लिश को बोलने में प्रॉब्लम आती है. मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सेंटेंसेस को बोल के याद कीजिए और इनको बोलने की आदत में लेके आइए. तो जो पहला सेंटेंस मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है, ये सेंटेंसेस अपने बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी. और इसको इंग्लिश में जब बोलोगे तो आपको बोलना है एज यू प्लीज. दूसरा सेंटेंसेस, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देरी हो गई. ओ आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट. अगर आपको सीधा ही बोलना है माफ़ कीजिएगा तो आप बोल सकते हो आई बैग योर पार्डन. क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, वुड यू लाइक स्पीक स्लोली. और अगर आपको ऐसा बोलना हो कि आप तेज बोलेंगे, वुड यू लाइक स्पीक लाउडली. तो ये आपको क्या है कि इस तरीके से अपने दूसरे सेंटेंसेस भी आप बना सकते हो. आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा होना. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, दूसरा ये बोल सकते हो, और तीसरा बोल सकते हो प्लीज टू मीट यू. ये तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं. मैं पूरा प्रयास करूँगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. कृपया अपने आप लीजिए, प्लीज हेल्प योरसेल्फ. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई. यहाँ तुम्हारी की जगह आपकी भी बोल सकते हो आप. हाउ डे यू, हाउ डेयर यू. जल्दी करो हरी अप. भरोसा रखो रेस्ट अश्योर्ड. कोई बात नहीं डजंट मैटर, या नेवर माइंड भी बोल सकते हो आप. टच वुड, कहीं नजर ना लगे. ये भी बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारी जगह आपने देखा है टच वुड ऐसा बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं नजर ना लग जाए. वॉश आउट, वॉच आउट का मतलब जब अपने किसी को अलर्ट करते हैं, किसी को बोलते हैं कि संभल के ये काम करना, तो देख के या संभल के का मतलब होता है वॉच आउट. छी एक वर्ड होता है, जब अपने कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जो अपने को पसंद नहीं आती है तो नॉर्मली ये चीज़ अपने पास में जो एक एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है, वो निकलता है. तो इसको बोला जाता है हाउ डिस्गस्टिंग. जरूर आना. यहाँ पे देखिए ये जो कम वर्ड है इनके साथ में अगर अपने डू लगा देते हैं तो इसमें क्या है कि एम्फेसाइज हो जाता है. और अपने क्या है कि किसी को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके जब चीज़ें बोलेंगे तब उसके लिए अपने ऐसा लगाते हैं डू कम. तो इसलिए अपने आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूँ, इसका मतलब ये हो जाता है. डू कम जरूर आना, डू सिंग जरूर गाना, इस तरीके से आप इसका वर्ड बना सकते हो और सेंटेंसेस बना सकते हो. यहाँ गंदगी ना फैलाएं. डोंट स्प्रेड गारबेज हेयर. गारबेज का मतलब गंदगी होता है. दाहिने तरफ रखिए. ये नॉर्मली अपने क्या है कि जब कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो इन वर्ड्स को यूज किया जा सकता है, कीप टू द राइट. और अगर आप बोलते हो बाईं तरफ रखिए तो इसको बोलना है कीप टू द लेफ्ट. कृपया ये काम मुझे करने दीजिए. आप किसी से जब कोई भी परमिशन मांगते हो कि ये मुझे करने दीजिए, तब आपको क्या है कि नॉर्मली लेट वर्ड का यूज़ करना होता है. लेट का मतलब होता है अलाउ करना. तो अगर आप कोई भी काम करने के लिए दूसरे से कोई भी परमिशन मांगते हैं तो इस तरीके से इन वर्ड्स को यूज़ किया जा सकता है. प्लीज़ लेट मी डू दिस वर्क फॉर यू. ये काम मुझे करने दीजिए. तो अगर आप बोलते हो कि मुझे पेपर पढ़ने दीजिए तो आप बोलोगे प्लीज़ लेट मी रीड पेपर, और लेट मी रीड न्यूज़पेपर बोल सकते हो आप. मुझे टीवी देखने दीजिए, प्लीज़ लेट मी वॉच टीवी. तो इस तरीके से आप क्या है कि लेट का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो.
कृपया सफाई का ध्यान रखें, प्लीज टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ दिस प्लेस। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, ये बहुत बार अपनी वर्ड को यूज़ करते हैं, आई डिड फॉर यू। अगर पास्ट की बात कर रहे हो कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया था, तो आपको यूज़ करना है आई डिड इट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। अगर यूज़ करते हो तो आई हैव डन इट फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ अगर बोल रहे हो तो आई एम डूइंग इट फॉर यू। तो इस तरीके से आप टेंसेस को चेंज करके क्या है, आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। वो मेरे पास पैसे के लिए आया था, ही केम टू मी फॉर मनी। वो मेरे पास पैसे के लिए आया है, ही हैज कम टू मी फॉर मनी। तो चेंज करके भी आप बना सकते हो। मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया, आई गेव अ मोबाइल 4 रुपीज़ 500। उसने 500 रुपये में एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन 4 रुपीज़ 5। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम भी लगा सकते हो आप, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो 10 मिनट से यहाँ थी, शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। मम्मी कुछ देर से घर पे है, मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर से। वो बस से उतर रहा है, उतरने का जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो गेट ऑफ यूज़ किया जाता है, ऑफ में और डबल एफ यूज़ करना है, ओ एफ यूज़ नहीं करना है। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। जब किसी भी चीज़ से अपना जो फिजिकल सेपरेशन होता है तब अपने ओ डबल एफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वो बस से दूर हो रहा है, इसका मतलब ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, और अगर वो बस में चढ़ रहा है तो इसका मतलब होगा ही इज़ गेटिंग ऑन द बस। तो ये दोनों सेंटेंसेज आप यूज़ कर सकते हो। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो से इंग्लिश में क्या है कि फ्रॉम वर्ड से भी से बनता है, बट यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम वर्ड अपने को यूज़ नहीं करना है, अपने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या यूज़ करना है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। वो कल से यहाँ है, ही हैज़ बीन हेयर सिंस यस्टरडे। इशारा मत करो, डू नॉट जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, हाथों से जब अपने इशारा करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसको जेस्चर बोलते हैं। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, निकलूंगा मतलब किसी जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह पे जाओगे, तो उसके लिए होता है लीव वर्ड का यूज़ किया जाता है, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई डिड नॉट फाइंड एनी सॉन्ग इन दिस मोबाइल। आपको जो अच्छा लगे वो याद रख लीजिए। कॉफ़ी को कप में डालो, तो डालने का जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो पोर होता है, पी ओ यू आर, वो डालने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कोई लिक्विड अपने एक जगह से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो उसको पोर बोला जाता है, पोर द कॉफ़ी इन टू द कप। तो ये कुछ वर्ड्स थे या कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो अपने डेली जो कन्वर्सेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो बताता हूँ। सेंटेंसेज रिलेटेड विद हेल्थ, हेल्थ के रिगार्डिंग में जब आपको कोई इश्यू होता है तो आप कैसे सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे की नाक बह रही है, द चाइल्ड नोज इज रनिंग। मेरे सिर में दर्द है या बहुत दर्द है, ऐसा भी बोल सकते हो, आई हैव हेडेक, आई हैव बैड हेडेक, ऐसा भी बोल सकते हो। क्रिकेट खेलते खेलते जॉन का हाथ उतर गया, उतर जाने का मतलब कोई भी चीज़ डिसलोकेट हो जाना। जॉन्स हैंड गॉट डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग क्रिकेट। उसके पैर की हड्डी टूट गई, हिज लेग बोन हैज गॉट फ्रैक्चर्ड।
और ब्रोकन भी बोल सकते हो। मुझे उल्टी आने को फीलिंग आ रही है, ऐसे ही बोल सकते हो। आई फील लाइक वॉमिटिंग, आई एम फीलिंग वॉमिटिंग, ये दोनों सेंटेंसेस यूज़ किए जा सकते हैं। मेरा जी घबरा रहा है, आई एम फीलिंग सिक, और ऐसे ही बोल सकते हो आई एम फीलिंग नोजिएटिंग। नोजिएट का मतलब होता है जी घबराना या उल्टी आने जैसा होना। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एक, एक का मतलब होता है दर्द होना। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको वेदर और सीजन के रिगार्डिंग में शेयर करता हूँ। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ टेरिबली हॉट टुडे, या आप बहुत चिलचिलाती गर्मी ऐसा बोलना चाहते हो तो इसको बोल सकते हो इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। स्कॉर्चिंग एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चिलचिलाना। इस गर्मी से उसे चक्कर आ रहे हैं, ज़्यादा गर्मी से उसे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। मच हीट हैज़ मेड हिम गिडी, गिडी का मतलब होता है चक्कर आना, और ऐसे भी बोल सकते हो मच हीट इज मेकिंग हिम फील गिडी। आकाश में बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसको अगर बोलोगे द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। शायद अब बारिश हो, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो या अब, इसको ऐसे बोल सकते हो अब बारिश होगा, इसको बोलोगे इट मे रेन नाउ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ब्लो का मतलब चलना बहना। हमें लू से बचना चाहिए, लू जो वर्ड होता है वो गर्म हवाओं को बोलते हैं, अपने हॉट विंड यूज़ किया जाएगा। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ हॉट विंड, हमें लू में शिकंजी पीनी चाहिए। वी शुड ड्रिंक और वी शुड टेक लेमोनेड इन हॉट विंड, बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट, सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं। द रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर, आज बहुत उमस बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे, हवा बंद है, द विंड इज स्टिल। स्टिल का मतलब एक जगह कोई भी चीज़ बंद हो जाना या रुक जाना। आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इट इज़ बाइटिंग कोल्ड टुडे, सर्दी में भी पसीना आ रहा है, वी आर पस पायरिंग इवन इन विंटर, मौसम अचानक से ख़राब हो गया है, द वेदर हैज़ सडनली टर्न्ड बैड, दो दिन पहले ओले पड़े थे, इट हेल्ड टू डेज अगो। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और आपका अच्छा कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।